एकदा आपले आप आशीर्वाद घेना मी या गोंदिया शहर आलो है मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आज सुबह से मैं निकला हूं हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक और वहां से फिर महाराष्ट्र में आपके बीच लेकिन आज मैं कह सकता हूं जिन जिन राज्यों में मुझे जाने का मौका मिला है चुनाव तो प्रचार मैंने 2013-14 में भी किया था चुनाव प्रचार मैंने अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं में भी किया था लेकिन ऐसी लहर पहले कभी देखी नहीं है ऐसा चुनाव है जो देश की जनता लड़ रही है ऐसा चुनाव है जो देश के दुश्मनों के लिए नरमी बताने वालों को जनता ने सबक सिखाने की ठान ली है ऐसा लग रहा है जैसे एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है अगर अभी देवेंद्र जी ने आप सबसे मोबाइल की लाइट ऑन न करवाई होती तो मैं भी यहां बैठे बैठे अंदाज नहीं कर सकता था कि कितने दूर दूर तक लोग हैं जब लाइट हुई तो पता चला कहीं नजर ही नहीं पहुंच रही थी महाराष्ट्र के मन में क्या है देश के मन में क्या है वो सब बातें ये आपके जोश में दिख रही है इस बार महायुति महाराष्ट्र से महा मिलावट को पूरी तरह साफ करने जा रही है आपने जो लहर पैदा की है विकास विरोधी प्रगति विरोधी परिवारवादी वंशवादियों को उखाड़ फेंकने का जो फैसला किया है इसके लिए दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की मां मांडो देवी मां मांडो देवी का जिस धरती पर आशीर्वाद हो और नागरा के भोले शिव जहां की रक्षा करते हो ऐसी वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं साथियों पिछली बार जब मैं गोंदिया आया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके आशीर्वाद और आपके प्यार को मैं सूद समेत ब्याज समेत वापस करूंगा याद है ना ऐसा मैंने कहा था और मैंने ये भी कहा था मैं ब्याज समेत तो लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा आज मैं आपके बीच आया हूं हिसाब देने के लिए लेकिन हिसाब देने से पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता और गोंदिया की इस धरती से महाराष्ट्र के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यहां से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी भंडारा गांधी और महाराष्ट्र की जनता के साथ और सहयोग से पांच वर्ष तक बिना रुके बिना थके मैं निरंतर काम कर पाया अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए देश को बदलने के लिए भरसक कोशिश की गरीब के घर में टॉयलेट बनाने से लेकर के अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने तक जल हो थल हो नभ हो अंतरिक्ष हो पांच साल लगातार लगा रहा यह संभव हुआ है आपके आशीर्वाद के कारण आपके समर्थन के कारण अगर आप देशवासियों ने 2014 में मेरा साथ न दिया होता मुझे आशीर्वाद दिए न होते तो क्या ये हो सकता था और इसलिए आज पांच साल के बाद जब देश की जनता के पास गया निकला हूं तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवाद करूं आपका प्रणाम करूं और आगे के पांच साल के लिए आपके आशीर्वाद की कामना करने आया साथियों आपके विश्वास का ही परिणाम है कि बहत्तर सालों के गड्ढों को हम भर पाए जब मैं आया था तो मैंने सरकार में व्यवस्था में तिजोरी में ऐसे ऐसे गड्ढे देखे ऐसे ऐसे गड्ढे देखे पांच साल उन गड्ढों को भरने में चले गए अब आपके सहयोग से ही विकास का नया हाईवे बनेगा आपके भरोसे से ही भारत का दुनिया में एक नई पहचान बनी अब महाशक्तियों के साथ कदम ताल का काम भी आपके साथ से ही होने वाला है आप बताइए आपके इस चौकीदार के प्रयासों से आप मेरे गोंदिया भंडारा के भाई बहन इस चौकीदार के प्रयासों से आप संतुष्ट हैं? ऐसा नहीं पूरी ताकत से बताओ पता चले चौकीदार की निष्ठा और नीयत पर आपको विश्वास है देश सही दिशा में जा रहा है आपको भरोसा है आपका ये विश्वास यही मेरी पूंजी है ये आपका यही विश्वास देश में बड़े और कड़े फैसले करा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना आतंकियों को कैसे घर में घुसकर मारा याद है ना? आजकल दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए लोग नई नई कथाएं बाजार में छोड़ते रहते हैं, जिनको मोदी शब्द सुनते ही निंद खराब हो जाती है ये लोग चला रहे हैं ये जो बाराकोट की घटना है ना अब महीना हो गया लोग भूल रहे हैं भूल रहे हैं आपको क्या लग रहा है भूल रहे हैं क्या याद है क्या देश को अरे ये देश उन्नीस की लड़ाई भी नहीं भूला है तो बालाकोट कैसे भूल सकता है साथियों जब बात देश की होती है तो हमारे लिए देश प्रथम पार्टी उसके बाद में हमारे लिए दल से बड़ा देश है लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारा देश दशकों तक एक ऐसी उल्टी दिशा में ही चला है आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय तुष्टीकरण के नाम पर उन्हें बचाने का काम किया गया है अब देश में अपनी दिशा भी बदली है और आगे बढ़ने की गति भी बदली है लेकिन महाराष्ट्र के साथियों गोंदिया के भाइयों बहनों कांग्रेस द्वारा देश को एक बार फिर अस्थिर करने की साजिश आप देख रहे हैं इनका एक आदत है या तो पूरा कब्जा करो नहीं तो फिर कन्फ्यूजन करो और आज वो देश में कंफ्यूजन पैदा करने में लगे हैं क्योंकि उनको मालूम है मोदी है तो लोगों की भलाई हो रही है और उनकी मलाई छू हो रही है अब मुझे बताइए मुझे भलाई वालों के लिए काम करना चाहिए कि मलाई वालों के लिए कल इन लोगों ने जो ढकोसला पत्र जारी किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का दस्तावेज है कांग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजिशों का योजना पत्र है कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है कांग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का साजिश पत्र है साथियों इस क्षेत्र में नक्सली हिंसा से निपटने में हमारे जवान निरंतर डटे हुए हैं। महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने वाले इन माओवादियों के दिन अब गिन चुके हैं लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको सावधान रहना होगा अगर थोड़ी सी भी चुक हुई अगर इन महा मिलावट करने वालों को जरा भी मौका मिला तो नक्सल माओवादी आंदोलन को और गति मिलने वाली है साथियों जब हमारी सरकार हिंसा के लिए उकसाने वाले अरबन नक्सलियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है तब कांग्रेस और एनसीपी के नेता कैसे उनके साथ खड़े हो जाते हैं ये आपने भली भांति देखा है अब तो कांग्रेस ने खुलकर घोषणा की है कि अगर कोई अरबन नक्सली देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको ये बात मंजूर है ये कांग्रेस सही कर रही है ये एनसीपी सही कर रही है मुझे बताइए देश का हाल क्या होगा क्या आपके रहते हुए देश का ऐसा हाल होने देंगे ये देशद्रोहियों को मुक्ति दिलाने वालों को आप मौका देंगे क्या क्योंकि कांग्रेस ने देशद्रोह से जुड़े कानून को ही हटाने का फैसला किया है क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए ऐसे नहीं क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए मेरी माताएं बहनें बहुत सट बड़ी संख्या में यहां हैं बताइए देशद्रोह का कानून हटना चाहिए भारत को तोड़ने की कोशिश करने वालों को खुला लाइसेंस मिलना चाहिए क्या हजारों जवानों के बलिदान का अपमान करने वाली कांग्रेस और उसके साथ ही एनसीपी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए मैं तो देश के रक्षा मंत्री रहे श्रीमान शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं क्या वो कांग्रेस के डकोसला डुक, पत्र से सहमत है क्या अरे आप तो रक्षा मंत्री रहे हैं अरे आपका जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे हुआ है क्या मुंह पे ताले लगा के बैठ गए हो इतनी क्या कारण है कांग्रेस के इन पापों को ढो रहे वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या वो देश की सेना को देश के सुरक्षा बलों को कमजोर करने के कांग्रेस के फैसले से सहमत है और शरद राव ने जवाब देना पड़ेगा साथियों अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोने की बोखलाहट में ये महामिलावटी लोग आए दिन सुबह शाम ये चौकीदार को गोली गाली देने में जुटे हैं उनको मेरे काम से ज्यादा मेरे नाम से समस्या है पहले चाय वाले इतिहास से उनको दिक्कत थी और अब चौकीदार से हो गई है मैंने क्या किया इससे ज्यादा उनको इस बात की चिंता है कि मैं कहा पैदा हुआ किस परिवार और किस समाज से उठकर मैं ऊपर आया यही गणित यही एहसास दिलाने का प्रयास कदम कदम पर ये कर रहे हैं मैं आपको कुछ उदाहरण देता कांग्रेस के नामदार जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि मोदी जैसे तो हम अमीरों के यहाँ चौकीदारी करते हैं क्या ये शब्द शोभा देते हैं क्या कांग्रेस के एक राग दरबारी मुझे शौचालय का चौकीदार बोल रहे हैं शरद पवार जी की पार्टी के नेता चौकीदार को जाहिल बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में इनकी महा मिलावट के एक साथी कहते हैं कि मोदी को देश चलाना नहीं आता है भाइयों और बहनों देश कैसे चलना चाहिए क्या वैसा चलना चाहिए था जैसा 2014 से पहले चल रहा था जब जवान भी परेशान था किसान भी परेशान था और नौजवान भी निराशा में डूबा था यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारें लगा करती थी किसानों को लाठियां खानी पड़ती विदर्भ के किसानों के लिए पैकेज घोषित होते थे वो बिचौलियों की जेब में चले जाते थे किसान के पानी के हजारों करोड़ रुपए एनसीपी और कांग्रेस के लोगों की जेब में चला जाता था क्या देश ऐसे चलना चाहिए था जिलों के शहर इस शहर को जिन्होंने अपने कुशासन से बुंद बुंद पानी के लिए तरसा दिया क्या ऐसे देश चलना चाहिए था गोसी खुर्दबान धापेवाड़ा और झांसी नगर परियोजनाओं के साथ इन्होंने जो बर्ताव किया क्या ऐसे देश चलना चाहिए था हम इन परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं जिससे यहां के किसानों की दिक्कत दूर की जा सके इसका फायदा आपको मिलना शुरू भी हो गया साथियों मोदी को देश ने चौकीदारी दी तो उसके पीछे की भावना स्पष्ट थी इसी भावना के अनुरूप काम करते हुए आपके इस चौकीदार ने धान दूर सहित 22 फसलों का एमएसपी लागत का डेढ़ गुना तय कर दिया इतना ही नहीं कांग्रेस एनसीपी की जब सरकार थी तो पांच वर्षों में महाराष्ट्र में इन्होंने जितनी दाल खरीदी उससे पंद्रह गुना ज्यादा दाल ये चौकीदार की सरकार ने खरीदी है और अभी हमारे देवेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे कि उनके समय कितने कोटि का काम हुआ और इनके समय कितना कोटि का काम हुआ हिसाब साफ साफ है भाई इससे किसानों को तो अच्छे दाम मिले ही हैं गरीबों को उचित मूल्य पर दाम दाल भी उपलब्ध हो पाई है साथियों 2022 तक जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे मेरा सपना है और आपके आशीर्वाद से पूरा भी होने वाला है 2022 आजादी के जब 75 साल होंगे तब दो सपने मुझे पूरे करने हैं एक मेरे देश के किसानों की आय दोगुनी हो और दूसरा हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा न हो जिसको रहने के लिए पक्का घर ना, आपका वोट हर गरीब को घर गर देने वाला है और उस जब जिसको घर मिलेंगे उसके आशीर्वाद आपको मिलने वाले किसानों की आय दोगुनी हो सके इसके लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला चौकीदार की सरकार ने किया है पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से पचहत्तर हजार करोड़ रुपए हर वर्ष करीब बारह करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है इसमें गोंदिया सहित पूरे महाराष्ट्र के सवा करोड़ किसान परिवार है इनमें से सोलह लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में पहली किस्त आ भी चुकी है और बाकियों के खाते में भी जल्द ही पैसे पहुंच जाएंगे भाई और बहनों हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों आपके सामने खुली किताब की तरह है सबका साथ सबका विकास हमारा प्रण है और सबको सम्मान ये हमारी प्रतिबद्धता है इसी सोच के साथ हमने पांच साल से काम किया है यही कारण है कि हमने दलित आदिवासी वंचित पीड़ित शोषित हर समाज को ऊपर उठाने का एक प्रयास किया है जिन बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी देश भर में उनसे जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ में बदलने का काम इस चौकीदार की सरकार ने किया है हमारे आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान को संजोने के लिए देश भर में स्मारकों का निर्माण भी हमारी सरकार कर रही है भाई और बहनों मैंने आपके बीच आकर कभी दावा नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए अरे जो सत्तर साल सरकार चला चुके हैं वो नहीं कर पाए तो पांच साल वाला क्या कर सकता लेकिन अनेक क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण काम किए अनेक क्षेत्रों में काम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे काम निकट भविष्य में पूर्णता पर है आपका ये चौकीदार पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो जब पूरा होने की तरफ बढ़ेंगे तो देश समर्थ होगा देश सक्षम होगा देश सुरक्षित होगा भाइयों और बहनों मुझे विश्वास है कि 11 अप्रैल को आप इस चौकीदार के प्रयासों पर मुहर लगाएंगे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे और भाइयों बहनों आपका हर कमल आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है और भाइयों ये एनसीपी के नेता बड़े बड़े खैर खां जरा उनको ये भी कभी पूछ लेना मैं आज बड़ी सारी चीजें बताना नहीं चाहता हूं लेकिन उनको पूछ लीजिए कि आजकल उनको निंद क्यों नहीं आती पूछोगे कि आपको निंद क्यों नहीं आती है नींद का कारण कारण है उनकी नींद आजकल दिल्ली की तिहाड़ जेल में जमा पड़ी है उनको डर सता रहा है जो अंदर गया है वो कुछ बोल देगा तो होगा क्या बड़े परेशान है और वो दिन दूर नहीं है जब सारी चीजें खुल करके बाहर आएगी भाइयों प्यारे भाइयों बहनों आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मेरे साथ आप जरूर बोलिए मैं कहूंगा मैं भी आप कहेंगे चौकीदार कहेंगे पूरी ताकत से कहेंगे हाथ ऊपर उठा करके करेंगे आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाएंगे मैं भी मैं भी मैं भी गांव गाँव गली गली शहर शहर डॉक्टर भी शिक्षक भी इंजीनियर भी युवा भी महिला भी बच्चे भी बुजुर्ग भी किसान भी कलाकार भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान, सीमा पार सीमा की रक्षा करने वाले भाइयों बहनों इन सभी चौकीदारों का गौरव करते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद